नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल इंद्री रोड पर सरपट दौड़ते ओवरलोड वाहनों के आगे आरटीए विभाग बेबस साबित हो रहा है। दरअसल ओवरलोड माफिया पूरे नेटवर्क को बड़े ही तरीके से चला रहे हैं। टीम जैसे ही गश्त के लिए निकलती है, व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल कर दिया जाता है। आरटीए टीम को देखते ही ट्रक बंद कर चालक रफू चक्कर हो जाते हैं। आंखों के सामने सब कुछ देखकर भी अफसर कुछ नहीं कर पाते। ढाबे पर ओवरलोड ट्रक खड़े रहते हैं और चालक सामने ही बैठे चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। ट्रकों के बारे में पूछताछ करने पर गोलमाल जवाब देकर अधिकारियों को गुमराह कर दिया जाता है। जैसे ही टीम ऑफिस की तरफ जाती है, ओवरलोड माफिया ओवरलोड ट्रकों को निकाल कर ले जाते हैं। सूत्रों के अनुसार इंद्री करनाल रोड पर 24 घंटे में करीब 700 से अधिक ट्रक निकलते हैं, यानी सरकार को भारी चपत लगाई जा रही है। मंगलवार को विभाग के इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह पूरा दिन गश्त पर रहे, लेकिन उनकी पकड़ में केवल 7 ही ट्रक आए, जबकि ढाबों पर सैकड़ों की तादाद में ओवरलोड वाहन खड़े थे। यह बड़ा सवाल उठता है कि यमुनानगर में ही इन्हें क्यों नहीं रोका जाता। करनाल में अधिकतर ओवरलोड वाहन यमुनानगर से आते हैं। यह लाडवा होते हुए इंद्री के रास्ते करनाल में प्रवेश करते हैं। इक्का दुक्का तो छोड़ दे तो पत्थर, बजरी, कोरसेंट व डस्ट से भरी करीब सभी गाड़ियां ओवरलोडेड होती हैं। इनकी वजह से इस सड़क पर आए दिन हादसे बढ़ रहे हैं। बीते दिनों समोरा में एक युवक को ओवरलोड वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन प्रशासन इससे भी सबक नहीं ले रहा। वैसे तो ओवरलोड वाहनों का चलान आरटीए विभाग के अलावा एसडीएम व डीएसपी भी कर सकते हैं, लेकिन यह इसमें अधिक दिलचस्पी ही नहीं दिखाते। नतीजन पूरा लोड आरटीए की टीम पर आ जाता है। चूंकि इस डिपार्टमेंट में स्टाफ अधिक नहीं है, सुविधाएं भी कम है, इसलिए यह ओवरलोड पर अंकुश नहीं लगा पाते। शाम को करीब 4 बजे गजेंद्र सिंह गश्त पर थे, एक ओवरलोड ट्रक देखा तो इसे रुकवा लिया। ट्रक के मालिक को इसकी भनक लगी तो तुरंत जीपीआरएस सिस्टम से ट्रक को लॉक कर दिया। अब इनकी हिम्मत तो देखिए कि मालिक ने जीपीआरएस से ट्रक लॉक कर दिया। गजेंद्र सिंह ने सख्ती से रवैया दिखाया, तब जाकर इसे अनलॉक किया गया। आज 7 गाड़ियां हमने पकड़ ली हैं और अभी अभियान लगातार जारी है, और तकरीबन ये हमारा रूटीन का काम है हम रोज। लेकिन ये ट्रांसपोर्टर ने एक पूरा नेटवर्क बना रखा है अपना, व्हाट्सएप के थ्रू हमारी एक एक मिनट की एक्टिविटी इनके उसमें रहती है रिकॉर्ड में, तो इनको बड़ी मुश्किल से ही ये हमारे हाथ आ पाते हैं। आप लोग भी अगर देखोगे तो हमारी गाड़ी जैसे ही अंदर जाएगी तुरंत ये सड़क पर निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे इनको काबू करने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं। और करनाल हरियाणा का पहला ज़िला है जो जुर्माने के वसूली में सबसे ऊपर है। तो कितना फाइन करा है सर आज इनके ऊपर? सर इन पे नए मोटर यान अधिनियम के अनुसार जो वाहन आज के दिन जो चलान का हम राशि है वो 20,000 रुपये पेनल्टी है, और उसके बाद जितने भी टन ओवरलोड है गाड़ी में उसमें 2,000 प्रति टन का उसके अतिरिक्त जुर्माना है। तो कितना अमाउंट कितना टोटल हुआ होगा लगभग आज का? टोटल 3.5 के आसपास का आज का जुर्माना है। 3 लाख से 3.5 लाख अभी तक। सर इसका क्या फिर कोई समाधान नहीं है? जैसे आप खाना खाने चले जाते हो तो पीछे जैसे सर 60 गाड़ियां खड़ी होती हैं और वो एकदम निकल जाती हैं, तो फिर इसका स्थाई समाधान कोई सर क्या नहीं बन पाएगा? स्थाई समाधान तो इसका यही है, हमारे पास जो अधिकार हैं सरकार ने जो हमें दिए हैं उनके अनुरूप हम कार्यवाही अपनी करते रहते हैं। बाकी तो ये ऐसा माफिया है कि ये कंट्रोल अपने हम पूरे प्रयास के बावजूद भी पूरी तरह इस पर अंकुश लगाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसमें पुलिस प्रशासन भी समय समय पर जो मदद हम उनसे लेते हैं वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टाफ है वो बहुत तादाद उसकी कम है, तो उसकी वजह से भी कई बार थोड़ा सा इसको संभालने में हमें दिक्कत होती है। मतलब ये है सर कि एक तो स्टाफ की कमी है अपने पास और दूसरा इनका जो माफिया है काफ़ी सक्रिय है, इस वजह से इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके लिए भी कोई आईटी एक्ट में ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि जिससे इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाता मिले
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो तो तभी ये जाकर इन लोगों के ऊपर अंकुश लग पाएगा। और बाकी जुर्माने का जहाँ तक सवाल है तो ये लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते, लगातार जुर्माना भरते भी हैं और अपना अवैध संचालन इसी तरह जारी रखते हैं। तो क्या GPRS सिस्टम होता है गाड़ियों में? हाँ, GPRS सिस्टम तो सभी गाड़ियों में अब अनिवार्य है जो नेशनल परमिट है, लेकिन उसका ये मिसयूज करते हैं। ये अभी आपने देखा होगा कि गाड़ी इसके मालिक ने वहीं से घर बैठे बैठे इसको पता लग गया कि गाड़ी पकड़ ली है तो इन्होंने सड़क के बीच में ही गाड़ी को बंद कर दिया, जो कि एक बड़े दुर्घटना का कारण भी बन सकती थी। ये अच्छा रहा कि ये रोड इतना ज़्यादा बिजी नहीं था। अगर ये हाईवे के ऊपर ऐसे, ये कई बार सड़क के बीच में भी छोड़ के ऐसे ही इसको वो कर देते हैं, बंद कर देते हैं GPRS, तो उस समय हमें बड़ी परेशानी होती है काम करने में। लेकिन जैसे तैसे हम अपने जिम्मेदारी से अपना निर्वहन करते हैं ड्यूटी का। तो किसका संरक्षण प्राप्त है जो इतना बड़ा ये काम करते हैं? देखिए, ये तो संरक्षण तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये व्यक्तिगत उसकी हित की है। जो पैसा कमा रहे हैं ये लोग, ये ट्रांसपोर्टर हैं, ये इनका अपना इंटरेस्ट है। संरक्षण तो इनका खुद का, जहाँ इंटरेस्ट आदमी का हो जाता है उसमें अपने आप संरक्षण सबसे बड़ा तो इनका खुद का है। बाकी प्रशासन अपना काम समय समय पर, जो लगातार जो ये चालाकियाँ करते हैं, हम भी इनकी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनकी चालाकियों को मात दे पाएँ, हम भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो आपकी गाड़ी को भी कई बार यहाँ टक्कर टुकर? हाँ, ये कई बार हादसे इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन हम भी अपने काम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि सरकार ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है तो हमने वो बखूबी निभानी है। इसमें सर SDM और DSP साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्या वो करते नहीं है? जैसे अपना इंद्रिय मंडल में है, ग्रोंडा में है, कई SDM साहब करते भी हैं, उनको पावर है, कर सकते हैं, करते भी हैं, और शायद काम की व्यस्तता उनके ऊपर ज़्यादा है, सिविल वर्क ज़्यादा होने की वजह से तो वो शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा हो जाए कि पुलिस विभाग भी चलान करने लग जाए साथ साथ उनको भी पावर, तो शायद अंकुश जल्दी लग जाए इनके। शुभ नाम अपना सर और पद? मेरा गजेंद्र है नाम और मैं इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ यहाँ करनाल। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।